मैं बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पॉलिसी 2024 to 2027 इनोवेटर्स एंटरप्रेन्योर्स के सपनों को पूरा करेगी और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का आने वाले दिनों में एक शक्तिशाली माध्यम होगी। मुझे लगता है कि नई स्टार्टअप पॉलिसी युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज़ को वास्तविकता में परिवर्तित करने की ज़मीन तैयार करेगी। ये नई स्टार्टअप पॉलिसी युवा एंटरप्रेन्योर्स को उनके असीम सामर्थ्य का एहसास भी कराएगी और उनकी तरक्की के नए रास्ते भी बनाएगी। प्रशासन का लक्ष्य एक बढ़िया बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ अगले 5 वर्षों में 2000 नए स्टार्टअप शुरू करना है। ऐसे उद्यमों को सिर्फ जम्मू तथा श्रीनगर तक नहीं बल्कि शहरों और गांवों तक पहुंचाया जा सके, इसका भी प्रयत्न किया जाएगा। अभी जैसा सेक्रेटरी इंडस्ट्री बता रहे थे, नई स्टार्टअप पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं में 250 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड भी शामिल है। इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन 25 करोड़ रुपए का शुरुआती निवेश करेगा और शेष राशि जुटाने का एक बेहतरीन रोड मैप भी इसमें बनाया गया है। एक प्रयास होगा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को फंडिंग की कोई दिक्कत न हो और सभी इनोवेटर्स इस पहलू से बेफिक्र होकर विकास को गति देने के लिए समर्पित भाव से काम कर सकें। मैं देश के सभी इन्वेस्टर्स को जम्मू कश्मीर में मौजूद असीमित संभावनाओं के लिए आमंत्रित भी करता हूं। आइए राष्ट्र के प्रति दायित्व की भावना से जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल, समृद्ध और उद्यमी भविष्य का निर्माण हम सब मिलकर के करें।